लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बीजेपी कार्यालय के पास हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बीजेपी ऑफिस के सामने सरकार से कुछ मांगने के लिए आया है और क्या मांग है इन्हीं से सुनते हैं, क्या इन्हीं के जवानों सुनते हैं, क्या डिमांड है आपको? सर, हम लोग उमेश पांडे, इस्लामपुर थाना, नालंदा जिला। सर, हम लोगों को करीब 2011 से बहाली करवाया गया एसपी साहब के द्वारा थाना में गुप्त सूचना देने के लिए। सो हम लोग पूरा काम किया, रात में 2 बजे प्रभारी महोदय का हो सकता हो जाए बुला लें, लाश गड़ा हुआ है उसको कवर बांधे, राइफल बंदूक नाजायज है उसको पकड़वाए, गिरफ्तार करवाए, दारू माफियाओं को बंद करवाए, उग्रवादी को पकड़वाने में जो है अग्रिम रहे, वारंटी को पकड़वाए, गोपनीय जितना कार्य थाना का था बिहार में ये पूरे लगभग कितने वैकेंसी, कितने लोग? करीब 7,500 हम लोग पूरे बिहार में एसपीओ हैं सर। जी हाँ सर। कितने दिन काम किया आप लोग? 8 बार। लगभग 8 बार ट्रेजरी के द्वारा हम लोगों को सर जो है पेमेंट आता था, 3,000 रुपए के महीने आता था सर। 3,000 का महीना मिलता? मात्र 3,000 का सर। 3,000 में 24 घंटा काम कर जी, खूब 24 का 4800 उसमें सर। कितने भाइयों को जान चला गया, कितने भाई को जो है मेरे थाना में एक ड्राइवर के पद पे थे, वो इलेक्शन ड्यूटी में एक्सीडेंट होने के क्रम में उनका हाथ कट गया। वाला कुछ नहीं मिलता था उसके बाद? कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं था। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ऊपर धापर? कुछ नहीं, कोई जरूरत ऊपर धापर में तो, और गाली अगर ऊपर झापर ले लिया, कोई कह दिया कि सर 10,000 रुपये हमसे पांडे जी लिए हैं तो बड़ा वो पकड़ लेंगे, हमको नहीं दिया तुम अपने ले लिया, इसलिए कुछ नहीं सब हुआ है। अच्छा ये बताओ आप, दिक्कत क्या हो गई? अचानक बंद किया गया, अचानक, हाँ अचानक बंद कर दिया गया। कब से बंद है ये? लगभग 2018 से बंद है जी, मार्च से। इससे पहले आपको किसी नेता से मुलाकात हुई है क्या, किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई है? हम लोग लगभग 2018 से, हम लोग तब से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जो भी सरकार में रहे हैं उनसे मिलने का काम किए हैं, प्रधानमंत्री तक हम लोग गए हैं, आवेदन दिए हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से मिले हैं, उनसे मिले हैं, हाँ मिले हैं, आश्वासन देते हैं सर कि हो जाएगा। कुछ नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ सर। हम लोग आश्वासन में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ठीक है, हो जाएगा, आप लोग के हम लगे हुए हैं, करवाते हैं, ऐसे कहते हैं और का ऐसे करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम अरवल जिला से हैं। अरवल जिला से हैं। हम लोग का काफ़ी जो है से परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। हम लोग 2009 में बहाल हुए थे, उस समय हम लोग का मात्र 3,000 रुपया दिया जाता था और 3,000 में हम अपना मोबाइल यूज करते थे, अपना गाड़ी से चलते थे, घर का परिवार को चलाते थे और उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। अभी हमारे ज़िला में स्थिति ऐसा है कि जैसे बहुत बिहार लेवल पर कभी काफ़ी मात्रा में वहाँ हथियार बनाने वाले सामग्री पकड़ाया, जो अभी जो है से सरकार को और हमारे ज़िला के जैसे पदाधिकारी लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमारे अगर ज़िला में एसपीओ अगर रहते तो जैसे ये कब एक पकड़ा जाता। अच्छा, आप लोग वर्दी भी पहनते थे क्या? नहीं, वर्दी नहीं, हम लोग सिविल थे और गाँव के बीच में रहना था, हर जगह का जो है गुप्त सूचना जो है से हम लोग को देना रहता था और सबसे सीआईडी के तौर पर थे। हाँ, सीआईडी की तरह हम लोग काम करते थे, इलेक्शन ड्यूटी सारा ड्यूटी करते थे सर, पूरा में करते थे। क्या बोले? हम लोग का सरकारी कमान है मेरे पास, सब कमान के साथ हम लोग ड्यूटी करते थे। 2010 से 2018 तक हम लोग अच्छा से ड्यूटी किए सर, बाढ़ से लेकर के मुख्यमंत्री तक हमने ड्यूटी किया सर। दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब किए। आज हम लोग सर बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, परिवार है जो छोड़ के भाग रही है। अब तो एनडीए सरकार आ गई, करेगी रोजगार देंगे, अभी तो सम्राट तो बोल कहेंगे 10 लाख रोजगार। तो कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो छीन मिला हुआ था, उसको तो छीन लिए। हम लोग को कितना कोई है जो कोई, कोई तो नहीं हमरा सुन रहे हैं, ने पक्ष वाले सुन रहे हैं, ने विपक्ष वाले सुन रहे हैं। हम लोग तो ने घर के रहे, ने घाट के रहे। जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी तो उस समय मिले थे? हाँ सर, विजय कुमार सिन्हा जी से इसी मैंने कार्यालय में मिले थे, तो आश्वासन दिए थे कि ठीक है हम बात करेंगे, केंद्र में बात करेंगे। चूंकि हम लोग को गृह राज्य मंत्री जी से भी बात हुई थी तो हम लोग भारत सरकार के SRE योजना के तहत अब जिला के वरीय पदाधिकारी जो होते हैं गोष्ठी के आयोजन कर आवेदन आमंत्रित कर बिहार सरकार के अंदर में ही थे, लेकिन केंद्र सरकार भी कमांड कर रहे हैं। हाँ, केंद्र सरकार से जो लेटर निर्गत हुआ था। हाँ।
केंद्र सरकार से ही राज्य सरकार के मान लिया जाए कि केंद्र सरकार या सारी योजना के तहत डीजीपी के यहाँ आया, सचिवालय से मान लिया मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोग को बहाली हुआ था, जिसमें जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी आवेदन आमंत्रित करके स्कूटनी के बाद में हम लोग को रखे थे, और उसके बाद में 8 बरस तक हम लोग को ट्रेजरी के द्वारा पेमेंट मिलते रहा है, अब मिलते रहा है, कार्य भी हम लोग करते रहे हैं। सीएम साहब का प्रोग्राम हो चाहे पीएम साहब का प्रोग्राम हो, जिला के तमाम जो भी विधि व्यवस्था संधारण का काम हो उसमें हम लोग किए हैं। कई एक भाई लोग एसपीओ लोग तो शहीद हो गए हैं। कुछ मिला मुआवजा? कुछ नहीं मिला सर। हम लोग को जब पैसा बढ़ने का बात आया अदर स्टेट में, सर जम्मू कश्मीर में पैसा बढ़ा हुआ है 18,000, यहाँ भी आया था लेटर, दूसरे स्टेट में भी है। हाँ सर, हाँ हरियाणा में भी है। अभी हरियाणा में भी कुछ दिन पहले हटा दिया गया था, लेकिन 4 दिन पहले उन लोग को पुनः योगदान करा दिया गया मानदेय पर। 18,000 मानदेय दिया जा रहा है उन लोग को, 18,000 मानदेय के अनुसार उन लोग को जो है पुनः योगदान करा दिया गया। लेकिन हमारे जो है बिहार सरकार इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज करके हम गरीबों को शोषण कर रहा है, जो 10 साल जो है हम लोग को जो है खटा कर हमारी मतलब सारी उम्र को जो है बर्बाद कर दिया इस चीज़ में, और हम लोग को हटा दे रहा है। ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को पुनः भी जैसे चुनाव से पहले योगदान करा दिया जाए, और हम लोग चुनाव में तत्पर रहकर हम लोग चुनाव में डिप्टी करेंगे। हम लोग को हर डिप्टी चुनाव डिप्टी हो या फिर आप क्या बोलते हैं दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, हर पर्व में जैसे हम लोग को कमान बुक के माध्यम से हम लोग को डिप्टी लिया जाता था। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि पुनः हम लोग को जैसे योगदान करा लिया जाए और चुनाव में डिप्टी हम लोग को पुनः लगाया जाए। क्या करना चाहते हैं? हम लोग को सर जो ड्यूटी करते थे जिसमें अच्छा काम करते थे उसमें प्रशस्ति पत्र होता है ना, वो वाला भी से हम लोग कई एक भाइयों को मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, हम लोग का कार्य सराहनीय नहीं रहा है। जिला के तमाम थाना जहां हम लोग एसपीओ बहाल थे वहां वारंटी चाहे किसी प्रकार का भी वारंट हो उसमें हम लोग 100% काम करते थे, 0/0 करके रखते थे, एक भी वारंटी नहीं रहता था सर। अभी देखा जाए तो वारंटी नहीं रहता आपके क्षेत्र में? नहीं रहता था उस समय, जो वारंट निर्गत होके कोर्ट से आता था उसको हम लोग पकड़वाने का काम करते थे सूचना दे करके, जिसके वजह से हम लोग उन लोग के निशाने पर हैं सर। मारा है कितना आदमी, पटना में, जहानाबाद में, गया में, जमुई में, हम लोग को धमकी मिल रहा है। और थाना प्रभारी बोलते हैं कि बल अब तुमको थाना पर कोई काम नहीं है, जबकि हम लोग डर से थाना पर जाते हैं, क्योंकि वारंट जिसको जिसको हम लोग पकड़वाए हैं ताकि वो समझे कि थाना का स्टाफ है, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा बोला जाता है कि तुम कुछ नहीं अभी है, तुम यहाँ नहीं रहो, है ना? अपने डर अपने जान की सुरक्षा, अपना जान की सुरक्षा के लिए हम लोग थाना पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको थाना पर जाने से कुछ वेतन उतन तो है नहीं हम लोग का, फिर भी हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, झूठा केस में भी फंसाया जाता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो एसपी के द्वारा मतलब भारत सरकार भी इसमें दखल दे रही थी और बिहार सरकार का भी दखल था, कई सारे स्टेट में भारतीय कई सारे स्टेट में ये है। हरियाणा की बात कर रहे थे, 18,000 उनको मानदेय मिलता है और इन लोगों को मतलब 5-6 साल काम करवा के फिर से हटा दिए, तो मात्र 3,000 पे 24 घंटा काम करते रहते थे, उसके बाद भी 3,000 पे काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार जो जहाँ रोजगार की बात कर रही है वहाँ रोजगार में जो लोग हैं जो रोजगार कार्य कर रहे हैं उनको रोजगार मुक्त किया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, तो किस रोजगार की बात कर रही है सरकार? मात्र ये 7,000 के आसपास लोग हैं पूरे बिहार में, और 7,000 चाह रहे हैं कि जो 7,000 परिवार से वंचित हैं मतलब उनको परिवार पालन करने में वंचित हो रहे हैं, उनको परिवार को चलाने के लिए पोषण के लिए उन व्यक्तियों के सभी 7,000 को स्त्रियों को जल्द से जल्द सरकार नियुक्त करे। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना का, मैं चाहे को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।